नमस्ते, आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शंखनाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दबाएं। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर ना बैठने देते। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहु का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी थी। वह तुरंत घटना स्थल पर जा पहुंचती, तहकीकात होने लगती, गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता से चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत न पड़ी। हाँ, कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी की क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे, डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े नीति कुशल, मिर्जई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था, कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी रहती थी। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे, बुद्धि के मंद लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी, जहाँ घास न जमी हो वहाँ केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्दंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था, बड़ा रंगीला जवान था। खंजड़ी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक कि कोसों तक धावा मारता। पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समझ रखा था। घुड़की धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ भी असर ना हुआ। हाँ, भावजें अभी तक उसकी ओर से निराश ना हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाएं पिलाए जाती थी, पर आलस्य वह राजरोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बांके गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। ये विषैले शब्द कभी कभी उसके कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ उसने हाथ मुंह धोया, बंशी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजें फूलों की वर्षा किया करती, बूढ़े चौधरी पैंतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच इस तरह अकड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल, फिर तुम्हारा निभाग कैसे होगा? भाई बात भी न पूछेंगे, भावजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के बाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगी? खेती में जीना लगे कहो कांस्टेबली में भर्ती करा दूं। बांका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी ना पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उनकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पाथती, कुएं से पानी लाती,
आटा पीसती और तिस पर भी जेठानियां सीधे मुंह बात न करती, वाक के बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बांके गुमान कुछ नरम हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया, फूले ना समाए, कई सौ रुपए लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे, तंजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या ना बिके, उसे तो लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं, चरस की दम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं। चल झपटरी जमुना तटरी, खड़ो नटखटरी। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाके गुमान ने खूब दिल खोल के अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई, टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले, भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चीथड़ों को तरसें, गाढ़े का एक कुर्ता भी नसीब ना हो और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानून दा बितान उनके ये ठाट बाट देख कर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सुखा कुर्ता भी ना मिले। यह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और यूं मन ठन कर निकले, ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी न मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन ना सही गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानून दा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया, यह द्वेषाग्नि है, घर को जलाकर तब बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और इस गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया, अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी इसका उत्तर सोच रहे थे कि श्रीमती जो बोल उठी, दादाजी अब समझाने बुझाने से काम न चलेगा, सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान का तुम्हारी कमाई में हक है, उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ। हम में न इतना बूता है न इतना कलेजा, हम अपनी झोंपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए, बांट बखरा कर दीजिए। बला से 4 आदमी हंसेंगे, अब कहाँ तक दुनिया के लाज को ढोवें। नीतिज्ञ बितान पर इस प्रबल वक्तृता का जो असर हुआ, वह उनके विकसित और प्रमोदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका, मनकूला या गैर मनकूला, आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है, इसकी नजीरें मौजूद हैं। जमींदार को साक्तुल मिल्कियत करने का कोई इस्तहकाक नहीं है। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। दुविधा में पड़ा हुआ था तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं, कोई तो कलेजा फोड़ फोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे कुतर थे, तन ढाकने को वस्त्र तक ना मिले और कोई सुख की नींद सोए हाथ बड़ा बड़ा के खाए, ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निभाना होगा।
शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यही मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो तो क्या कहते हो, कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी ना थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था, किंतु भाइयों की इस जान मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मंजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बदा हो वह पीसे, मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए, मुझे आज सिर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थीं, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह उसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे के घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के और नावें कागज की नावें थीं। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली बेर के सिवा कोई भी ऐसा फल न था जिसे वे बीमारियों का घर न समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हों तो चौंक पड़ते थे। गुरदीन उस गांव में साप्ताहिक फेरी लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मेला कुचाला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहां बच्चों के लिए मिठाइयां थीं, वहां गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें थीं। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा ना रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता और इसने पूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसे की कोई चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी न्योछावर मिल जाती है, उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या ईश्वर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठनगन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे 9 नकद सही 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, किंतु मिष्ठभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत न हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़ी बेचैनी से अपने दरवाजों पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ों पर चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला थाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचा तानी होने लगी। कोई कहता था, मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट्ट लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और शोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानूनदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोने लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में ऐसा कोई बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ ना उठाया हो तो वह बांके गुमान का लड़का धान था।
यह बड़ा कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस कर और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देख कर शब्द कर जाए। उस पर तुर्रा यह है कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था। पर यह अबला क्या करे, उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। बेटा रो मत, अब के गुरुदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी, तुम कितनी मिठाई खाओगी। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। आह, यह मनहूस मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर यही सब बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा ना पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और ध्यान था कि किसी तरह चुप ही न होता था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतर कर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे की इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय की रहस्य कभी समझ में नहीं आती। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़क कर बोली, चुप रह अभागे, तेरा मुंह मिठाई खाने का है, अपने दीन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बाका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुप गए। शायद उनका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और काष्ठ में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणोत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो, तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानो मेरे कानों में शंख नाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश का उपदेश दिया हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी शंखनाद।